मुख्यमंत्री का नाम लेके नगर परिषद में पैसा का गबन हो रहा है, हेराफेरी हो रही है। 15 अगस्त 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के आगमन पर 4 लाख के आसपास का बिल है टेंट का। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे याद नहीं आता कभी मुख्यमंत्री यहाँ से आए हो। नहीं तो क्या 15 अगस्त 26 जनवरी पे आए थे क्या? प्लस 26 जनवरी प्लस मुख्यमंत्री का आगमन, तीन चीजें हैं वो लिखने में गलती हो सकती है। वो मुख्यमंत्री तो किसी संस्था ने प्रोग्राम करवाया था उनका, पैच वर्क का काम हुआ। अरे टेंट का बता रहा हूँ सर, उसमें टेंट का नहीं, टेंट तो एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात, एक मिनट प्रधान जी, वो तो बाबा बंदा बहादुर का प्रोग्राम था, उसमें क्या ये प्रधान जी ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो टेंट वगैरह का जो कार्यक्रम हुआ यहाँ हंसी में उसका बिल है वो, अगर कोई किसी को कोई शिकायत है तो उसकी इंक्वायरी करवा लेंगे, उसका पता लगा लेंगे कितना खर्च हुआ, जो जायज़ होगा, नाजायज काम नहीं होगा। भाई विनोद प्याणा जिंदाबाद, भारत माता की, भाई विनोद प्याणा जिंदाबाद। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के एमटी झील रोड पर हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं विनोद बैणा हांसी के विधायक यहां पर आए हैं और कुछ सेकंड पहले ही नारियल फोड़ा है विकास कार्यों के लिए। उनको याद दिलाया गया कि एमटी झील हांसी में है और उसकी हालत ख़राब है। इससे पहले प्रधान को भी कई बार लोगों ने कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वाइस चेयरमैन अनिल बंसल ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद विनोद बैणा यहाँ पर पहुँचे। विकास कार्यों की शुरुआत आज से यहाँ पर होगी। सर्वेश जी, ये बहुत दिनों से इस सड़क की हालत बड़ी दयनीय हो रही थी, ये सारा का सारा पानी रोड पे आ रहा था, तो यहाँ के इलाके के लोगों ने कहा कि यहाँ नाला बनवाना बहुत ज़रूरी है, तो आज उसका नाले का टेंडर हो चुका था पहले, इसका पैसा वैसा भी आ गया था, आज इसकी विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये नाला बनने से जो इस इलाके के लोग हैं उनको गंदे पानी के बीच में से निकलना पड़ता था, इससे इस इलाके के लोग ही नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पैलेस है शहर का, हमारे यहाँ बैंकट हॉल भी हैं दोनों साइड में, इधर भी हैं इधर भी हैं, और भीड़ भड़ा इलाका है, तो इस भीड़ भाड़ के इलाके में ये नाला बहुत ज़रूरी था, तो आज उस नाले की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। इस पर लगभग 25 लाख रुपये की लागत है और जैसे ही नाला बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी सड़क पहले उधर से तो बनी हुई है, इधर से जो सड़क बाकी रह रही है इस सड़क को भी पूरा करवाने का काम करेंगे। एमटी झील को लेके भी लोगों की बड़ी डिमांड है, जो बड़ी ख़राब हालत में है। अगर ऐसी बात है, इलाकों की डिमांड है, तो मैं अभी आदेश देता हूँ, इसका जो भी एस्टीमेट वगैरह बना के, ये एस्टीमेट बना के दें, हम सरकार के आगे सबमिट करेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे कि इसके लिए भी जो उचित हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। सर, ये आपके संज्ञान में अनिल बंसल ने भी आवाज उठाई थी इस एमटी झील को लेकर, क्या इस बार एजेंडे में पास किया जाएगा? ऐसा है, हमारे प्रधान जी भी और अनिल वाइस चेयरमैन हैं और हमारे पार्षद भी यहाँ खड़े हैं, निश्चित रूप से मैं इनसे कहना भी चाहूँगा कि जरूर अगर इन्होंने एजेंडे में नहीं ले रखा तो एजेंडे में ले लेंगे। अभी हमारी मीटिंग है, कब की है जी? 31 तारीख की मीटिंग है, इसमें ले लेंगे एजेंडे में। तो एजेंडे में काफ़ी चीज़ें हैं जी, एक बड़ी मुझे लगी थोड़ी, उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री के आगमन पर 15 अगस्त 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के आगमन पर 4 लाख के आसपास का बिल है टेंट का। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे याद नहीं आता कभी मुख्यमंत्री यहाँ से आए हो। नहीं तो क्या 15 अगस्त 26 जनवरी पे आए थे क्या? प्लस 26 जनवरी प्लस मुख्यमंत्री का आगमन, तीन चीजें हैं वो लिखने में गलती हो सकती है। वो मुख्यमंत्री तो किसी संस्था ने प्रोग्राम करवाया था उनका, पैच वर्क का काम हुआ बाबू। अरे टेंट का बता रहा हूँ सर, उसमें टेंट का नहीं, टेंट तो एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात, एक मिनट प्रधान जी, वो तो बाबा बंदा बहादुर का प्रोग्राम था, उसमें टेंट के बाग में कूड़ा पड़ा था, इसके ऊपर टेंट लगा। हाँ, वो एक क्या कि मुख्यमंत्री जी, मतलब तो ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम लेके नगर परिषद में पैसा का गबन हो रहा है, हेराफेरी हो रही है। ऐसा है, मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया कि मुख्यमंत्री के नाम से कोई अगर गबन हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको, जो प्रधान जी भी बता रहे हैं कि उमरा गेट वाली रोड जो कि स्टॉर्म वाटर डालने से वो रोड सारी टूटी पड़ी थी, ऐसी संभावना थी कि मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारे में माथा टेकने आ सकते हैं और सड़क की हालत बहुत ख़राब थी, मेरे ही आदेश पे उस सड़क को ठीक किया गया, उस पर जो भी पैसा खर्च हुआ वो मुझे नहीं पता, वो प्रधान जी बता सकते हैं, नगर परिषद के अधिकारी बता सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा खर्च हुआ है या ये प्रधान जी ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो टेंट वगैरह का जो कार्यक्रम हुआ यहाँ हंसी में उसका बिल है वो, अगर कोई किसी को कोई शिकायत है तो उसकी इंक्वायरी करवा लेंगे, उसका पता लगा लेंगे कितना खर्च हुआ, जो जायज़ होगा नाजायज़ काम नहीं होगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, काफ़ी लोगों ने डिमांड की है, तो मैंने अभी आपके सामने नगर परिषद के हमारे प्रधान भी खड़े हैं, उप प्रधान भी, हमारे पार्षद भी खड़े हैं,
31 तारीख की मीटिंग बता रहे हैं ये। इस मीटिंग में अवश्य में अगर इन्होंने एजेंडे में नहीं ले रखा तो इसको एजेंडे में ले लेंगे और निश्चित तौर पे इसका सुधारीकरण का काम करवाएंगे। और आपके सामने हमारे टेक्निकल स्टाफ भी खड़ा है, इनको अभी आपके सामने आदेश दे रहा हूँ कि इसका जो भी एस्टीमेट वगैरह है वो एस्टीमेट बनाएं और एस्टीमेट बना के इसको ऊपर डिमांड भेजें, मैं ऊपर से इसकी पैरवी करके इसके लिए पैसा मंजूर करवा के इसको। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक उम्रा ये जाट कॉलेज पे आपने बड़ा नारियल यानी कि तोड़ के कार्य का शुभारंभ किया था जाट धर्मशाला के पास से और उम्रा गेट तक की रोड, जो बहुत डायर नीड है लोगों की, अब बिजनेसमैन की भी वहाँ पे, और वो कार्य बंद हो चुका है। कौन कह रहा है बंद? कौन कह रहा है? आप कच्ची बात ना कीजिए। आपने एक मिनट, आप प्रेस के आदमी हैं, आपको कभी भी कच्ची बात, आपकी बात नहीं, ठेकेदार कौन सा ठेकेदार कह रहा है? कोई काम बंद नहीं हुआ, ना कोई उस काम पे सटे है, ना कोई स्टेज की आशंका है, 100% काम चलेगा और जब तक काम पूरा नहीं होता काम कंटिन्यू रहेगा। ये खामखा की बातें ना तो आप भ्रमित करें लोगों को। बताओ कुछ टाइम के लिए तो बंद हुआ नहीं, बरसात का मौसम था, कीचड़ हो सकता है वहां, इस वजह से दिक्कत नहीं नहीं, कोई ऐसी बात हो गई हो कि बरसात के मौसम में बंद किया हो, कोई मैकेनिक, कोई मिस्त्री, कोई लेबर बीमार हो गई हो, वो अलग बात है। ना कोई कानूनी रूप से हिच है, ना कोई सरकारी रूप से हिच है, नहीं है ना, काम चालू है। 0.1% भी नहीं, काम जब तक जारी रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होता। हाउस की मीटिंग में जाओगे आप? हाउस की मीटिंग में सर जी, हाउस की मीटिंग में हमारे ये पार्षद जाएंगे ना, प्रधान जाएंगे। एक सर रिक्वेस्ट, हाँ जी हाँ जी, आपसे ना, आपसे आप एक मिनट इनसे बात कर लूँ फिर आप कर लेना। चेयरमैन जी भी यही है, चेयरमैन भी आप भी यही है सर, बहुत बार हो चुका है सर। ऐसा है, लाइट का पीछे जैसा कि आपको पता है कि कई काफ़ी लंबे समय तक इसका टेंडर नहीं हो पाया और अब टेंडर हो चुका और 10 दिन हो गए और मेरे ख्याल में वर्क ऑर्डर भी हो गया और उसका मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ सुधारीकरण आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो कितना टाइम लग जाएगा जी बताओ? 15 दिन तक हमारे प्रधान जी कह रहे हैं 15 दिन तक सारा कम्प्लीट हो जाएगा। सफाई का बजट भी काफ़ी बढ़ा दिया है, वो सरकार की तरफ से भी बड़ा है। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, देखिए काम तो करवाना होता है नगर परिषद ने, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे उप प्रधान हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काम इन्होंने करवाना होता है। सरकार की तरफ से पैसा लेना मेरी जिम्मेवारी है, पैसे में कभी कमी नहीं आने देंगे, व्यवस्था संभालना इनका काम है। इनको जहाँ मेरी ज़रूरत हो, मैं पूरी पब्लिक में कहता हूँ, मैं हमेशा 24 घंटे तन मन धन से इनके साथ हूँ, जहाँ जरूरत हो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। वाइस चेयरमैन ये मेरे साथ हैं इस वक्त अनिल बंसल, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, एमटी की झील देर से याद आई, चेयरमैन को तो नहीं आई, वाइस चेयरमैन को ही आई, अब उम्मीद कितनी कब से काम शुरू हो जाएगा? एमटी झील के नाले के लिए पार्षदों ने और जो यहाँ के रहने वाले लोग उन्होंने कहा था और करीब 15 दिन पहले मैं विधायक जी के पास सबको लेके गया था और विधायक जी ने आज 25 लाख रुपये से बनने वाले नाले का उद्घाटन किया है और जो एमटी झील है इसको अब इसका भी सौंदर्यकरण के लिए और बढ़िया बनाने के लिए अब विधायक जी के सामने आवाज़ उठाइए, जल्दी इसका भी काम शुरू हो जाएगा। जल्द काम होने की उम्मीद है, दिल्ली गेट के आसपास के लोगों को इंतजार था कि एमटी झील दुरुस्त हो, उसके बाद ये लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आएँ, इसका नज़ारा लें, इसका लुत्फ उठाएँ, अब उम्मीद जगी है कि अनिल बंसल इस काम को पूरा कराएंगे। एक तो जो हमारी नगर परिषद का एजेंडा बना है, सच्चाई में इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे पीछे, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता और लगातार इस मुद्दे को 31 तारीख को जब आप देखोगे तो नगर परिषद की पोल खोलने का भी काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस बार जो एजेंडा है उसमें बहुत पेच है, बहुत लोचा है, मुख्यमंत्री का नाम लेके पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है, पैसे का गबन एक तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे हांसी में आए नहीं, उनका नाम लेके टेंट के नाम ये बिल बना दिया गया, 4 लाख एजेंडे में बकायदा है, हमने इसका खुलासा किया था, आज विधायक विनोद बैना के सामने भी इस बात का खुलासा किया। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। प्रधान जी को मैंने 1 महीने पहले फोन किया, भाई वो पोल गिर रहा है प्रधान जी, एक बार सर्वेश जी मैं बात रखना चाहता हूँ, प्रधान जी आप खड़े हो, आप कह रहे हो कि मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया, राणा साहब वो खंबा है जिस दिन ये आते हैं जेसीबी से गंद निकाल जाते हैं इसका सड़क के ऊपर, जबकि वो खंबा उस दिन पोल डाउन हो रहा था, मैं बोला प्रधान जी ये पोल नीचे गिरेगा, हादसा हो सकता है, ये बोले मैं आधे घंटे के अंदर भेज रहा हूँ इस पोल को सीधा करने के लिए, आज भी वो पोल 1 महीने से कैसे कैसे पड़ा है देखो, और वो कभी भी मंदिर के ऊपर जो माता लोग धोकने आते हैं, पूरे शहर के लोग आते हैं, अभी पीछे पूरे 1 महीने आपको ही पता है पूरी माता धोकी गई थी, आज वो खंबा टेढ़ा का टेढ़ा है, आप देख लो, आपको मैंने फोन किया था, 1 बार नहीं 4 बार आपको फोन किया मैंने,
क्या नाम आप? शिव नाम है जी, शिव पंडा जी। हाँ जी, मैं अभी हाँ जी बाद में जाऊंगा यहाँ से, पहले इसका फोन करके इसका इंजाम करके देख लो आप लाइटें। मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यहाँ से बाद में जाऊंगा आपके सामने फोन करूंगा और इसको हटाने का। इसलिए आप क्या गुजारिश की, आपने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं आया, मेरे संज्ञान डाल दिया सर, होगी और मैंने प्रधान जी को फोन किया कई बार, कनेक्शन हटवा दिया था, ठीक करवा देते हैं जी। शिव जी आप चिंता नहीं करो।